हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला है हैंगिंग और हीटिंग इशू और आपका जो कि लैग प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस सब प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, हीटिंग इशू, लैग इशू, हैंगिंग इशू और साथ ही में स्लो चार्जिंग, इन सब से रिलेटेड परेशान है तो आपको एक ही सोल्यूशन है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कोई भी इशू हो, आपको सबसे पहले आपको स्टोरेज को चेक करना है, कहीं आपके फ़ोटो वीडियो उतना ज़्यादा तो नहीं है जो यहाँ पे फुल तो नहीं हो गया है। अगर फुल हो गया तो आपका हैंगिंग इशू, हीटिंग इशू ये सब क्रिएट करेगा, स्लो चलेगा, ठीक है। तो स्टोरेज को खाली कीजिए अगर आपका यहाँ पे फुल दिखा रहा है। ग्रीन आप देख सकते हैं अभी कितना खाली है मेरा। अगर मेरा फुल होगा तो कितना बड़ा महंगा फ़ोन क्यों ना हो, आपका हीट ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि अननेसेसरीज ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो इस तरीके से आप पॉज कीजिए, इस तरीके से आप उसको हटा दीजिए, बिल्कुल ही हटा दीजिए, यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो चीज़ करना है। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे, आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि बैकग्राउंड में डाटा ले रहा होता है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस। इस पे जाके ऑटो डाउनलोडिंग को आस्क मी वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ही ऑटो अपडेट को आस्क मी वाले पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो प्ले को आस्क मी वाले, डोंट ऑटो अपडेट और डोंट ये वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से इसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे, आप खुद चेक कीजिए, आपको ये दोनों अलाउ होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेक करना है सिस्टम में कोई अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अपडेट भी करना ज़रूरी है कभी कभी, आपका कौन सा भी वर्जन चल रहा है, सिक्योरिटी पैच ये सब वगैरह अपडेट करना है। और फ्रेंड्स, ये तो हो गया, ये वाले प्रॉब्लम का सलूशन इस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका, अगर इंटरनली सॉफ्टवेयर में कोई इशू है तो क्या करेंगे। सबसे पहले नंबर, सारा फाइल ट्रांसफ़र कीजिए और इसको रीसेट कीजिए, ठीक है। अगर रीसेट नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेट, वो जो है आपका फ़ोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा, इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, ऐप्स वाले ऑप्शंस में जाना होगा। जो भी ऐप्स यूज़ नहीं करते उन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। जो भी ऐप यूज़ नहीं करते उसको अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फायर टीवी ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं यूज़ नहीं करता हूँ, स्वैगी ऐप यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला ऑप्शंस देखने को मिले सिस्टम है, इसमें आपको क्या क्या करना है जिससे आपका ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हीटिंग इशू और या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई भी इशू होगा उसके लिए आपको सर्विस, सेटिंग सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टोरेज पे क्लियर कैच कर देना है, यहाँ से क्लिक करना है, क्लियर डाटा कर देना है, उसके बाद यहाँ से बैक कर लेना है। और यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को भी सेम चीज करना है आपको, यहाँ से ये रहा स्टोरेज, क्लियर कैच कर लेना है, यहाँ से बैक करना है, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड्रॉयड सर्विस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना है, क्लियर कैच कर लेना है वापस से। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इससे 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड सेटअप, और यहाँ से इसको क्लियर कैच कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।